थाना सुखपुरा व सौक बलिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 प्लास्टिक की बोरियों में कुल 71 किलो नाजायज गांजा, 6 मोबाइल व 2 अवैध तमंचा में 4 जिंदा कारतूस तथा 2 वाहन बुलेरो व बेलेनो बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सुखपुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना सुखपुरा के प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंहमय फोस तथा सौक प्रभारी रामसजन नागरमय सौक टीम द्वारा अभियुक्त चंदन यादव पुत्र बुल्ली यादव निवासी दलजीत टोला थाना बैरिया बलिया, राजकुमार महतो पुत्र शिवजी महतो निवासी सीताबदिया घोड़ी टोला थाना बैरिया बलिया, आशीष कुमार सिंह पुत्र परमेश्वर सिंह निवासी दलजीत टोला थाना बैरिया बलिया, आकाश वर्मा पुत्र प्रभुनाथ वर्मा निवासी निर्जापुर मानिक छपरा थाना बैरिया बलिया, सुनील सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी भवन टोला थाना बैरिया बलिया को बसंतपुर मोड़ बहद ग्राम मिद्धा के पास से 2 वाहन बुलेरो व बेलेनो में लदे 4 बोरियों में 71 किलो नाजायज गांजा, 6 मोबाइल व 2 अवैध तमंचा में 4 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सुखपुरा पर क्रमशः 92/21 धारा 8/20 NDPS एक्ट 93/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम 94/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके 2 गाड़ियों को पकड़ा गया, जिसमें 71 किलो नाजायज गांजा जो 4 प्लास्टिक की बोरियों में था, 6 अदद मोबाइल, 2 अदद अवैध तमंचा, 4 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इस संबंध में थाना सुखपुरा पर धारा 8/20 NDPS का अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त गण को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये एक बड़ी रिकवरी है और इसमें निश्चय ही अन्य लोग शामिल होंगे। बहुत ही गहराई से इसकी जांच की जा रही है कि इतनी भारी मात्रा में ये अवैध गांजा कहां से ला रहे हैं, कहां पर इनको ले जाना था। काफ़ी पूछताछ की गई है और कुछ क्लू मिले हैं, जिसमें अभी आगे भी कार्रवाई होगी। ये सुखपुरा थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है और ये जानकारी हुई कि ये बाहर से कहीं से ला के और आगे कहीं भेजा जा रहा था। और इस संबंध में अभी जांच की जा रही है और निश्चय ही इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं, जैसे कि कहां से ओरिजिनेट हुआ है, कहां को जा रहा है। तो इस संबंध में अभी हम जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही इसमें जो शामिल हैं, जो कॉकस शामिल है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा।